हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल वुमेन अपॉइंटमेंट, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र महिला नियुक्ति। करंट अफेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से अक्सर कर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को आज। इंदु मल्होत्रा, तो इंदु मल्होत्रा कौन है? एक महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, पहली महिला वकील। तो वो वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, तो ये इंडिया की पहली वैसी वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी। तो नाम क्या है? इंदु मल्होत्रा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ज्योति शर्मा कौन है? सेना की पहली महिला जज। ये भी जज बनी है, पर कहाँ की जज बनी है? सेना की। याद रखिएगा दोस्तों, ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज। ठीक, अगला देखते हैं। नुपुर कुलश्रेष्ठ, ये क्या है? पहली महिला है जो डीआईजी है और इंडियन कोस्ट गार्ड की डीआईजी बनी है। तो नुपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला है जो इंडियन कोस्ट गार्ड की डीआईजी बनी है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हीना जायसवाल। ये वीवीआई टिक मार लीजिएगा, हीना जायसवाल। हाल फिलहालों के एग्ज़ाम में हीना जायसवाल से क्वेश्चन बना है। तो ये कौन है? वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। तो हीना जायसवाल कौन है? वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। भावना कंठ, तो भावना कंठ के बारे में जान लेते हैं। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, ये पायलट है लड़ाकू विमान की, और ये पहली महिला है जो लड़ाकू विमान की पायलट है। कौन है? भावना कंठ। अब इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चंद्रानी मुर्मू 2019 में जो MP वाला इलेक्शन हुआ था उसमें ये सांसद बनी थी, और सबसे कम उम्र की, अब तक के सबसे कम उम्र की सांसद बनने वाली चंद्रानी मुर्मू। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो शिवांगी जोशी कौन है? नौसेना की पहली महिला पायलट। गौर करिएगा वर्ड में दोस्तों, शिवांगी जोशी क्या है? नौसेना की पहली महिला पायलट। ठीक है, अगला सुमन कुमारी क्या है, कौन है? ये भी जज बनी है, लेकिन कहाँ की? पाकिस्तान की, और ये पहली हिंदू महिला जज है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज सुमन कुमारी, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आरोही पंडित। तो आरोही पंडित अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट, ये भी पायलट है। कहाँ, क्या, किस इसको पार की थी? अटलांटिक महासागर को। तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला पायलट आरोही पंडित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। गौरी सावंत, ये भी 2019 के MP वाले इलेक्शन से जुड़ी हुई है। गौरी सावंत किसलिए बहुत चर्चे में आई थी? देश की पहली ट्रांसजेंडर है जो चुनाव राजदूत बनी थी। तो ये देश की पहली ट्रांसजेंडर है जो चुनाव राजदूत बनी थी, मतलब कि गौरी सावंत पहली ट्रांसजेंडर है जिसे चुनाव राजदूत बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुलसी गेवार्ड, ये आपको इसको भी मार लीजिए, ये USA के इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? तुलसी गेवार्ड USA के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला। तो राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन बनी? तुलसी गेवार्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, आप इसके याद रखिएगा। क्या नाम है? VBI पहले टिक मार देता हूँ। उर्सेला वॉन डेर लियोन, ये कौन है? यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है, उर्सेला वॉन डेर लियोन। तो ये कौन है? यूरोप आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बस इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो
सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।